नहीं बोल रहा पापा का कसम, इधर कोई नहीं रुकेगा, मजाक नहीं कर रहा। बताया सर कि हम गाड़ी लेके आ ही रहे थे, गाड़ी में जगह थी तो जरूर क्यों ना ड्रिफ्ट जाए सर, हम मदद करेंगे, तभी आप भी तो कभी ना किसी को मिल देंगे। छोड़ देंगे, पैसे नहीं लेकिन मेरे पास। कृपया मुझे कोई भी अगले एक घंटा के लिए लिफ्ट बना दे क्योंकि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सुनसान। ये उनका काफी से और यहाँ बेड भी कंबल वगैरह सब कुछ था, वो बोले आप यहाँ आराम से बिंदास हो जाओ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा भैया, बस भैया गांव के लोगों में तो उनको ये पता नहीं, डरते हैं कि बाहर के लोग हैं, क्या इनका टारगेट है, क्यों आए हैं। आपसे मिल के भी अच्छा लगा। काम वाम जो भी है बाद में देखिए, सबसे पहले आराम करते हैं। जैसलमेर यहाँ से अब बस 147 किलोमीटर रह गया है और अपना मैंने सामान वगैरह पूरा पैक कर लिया है और बस निकलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले कल रात, मतलब आज रात मैं कहाँ रुका था वो सब आपको बताता हूँ। और सबसे पहले तो अरे यार आँखें एकदम छोटा छोटा हो जा रही है, मैं लगा ही लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं नहाया कहाँ पे, क्योंकि आज अच्छे से नहाने को मिला यार, एकदम रिफ्रेश लग रहा है मस्त। तो आप लोग को दिख रहा होगा सामने में ये टंकी पानी का, और जितने भी होटल ढाबे सब में इस तरह से, मतलब सामने में टंकी होता है ट्रक वालों के लिए नहाने के लिए। तो ये भाई पानी का टंकी, साफ सुथरा एकदम। तो यहाँ मैं नहाया एकदम अच्छे से और मैं रुका कहाँ था वो आपको बताता हूँ। सामने में होटल है इनका, सरस्वती होटल करके, वहाँ मैं बात किया था, वो रुकने का मुझे अलाउ कर दिए थे। लेकिन जो क्या रुकमड़ा शायद भैया का नाम है, तो उन्होंने वो बोले कि हमारे एक ऑफिस है आप यहीं पे सो जाओ, तो यार रुकने के एकदम मस्त इंतजाम कर दिए थे। लेकिन जितना मुझे चिंता थी ना इस बात की, उतना ही अच्छा हुआ बदले में मेरे साथ, भाई रुकने का इतना गजब की व्यवस्था हुई है ना वो रुकमड़ा भैया। ये उनका ऑफिस है और इसका सबसे पहले चाबी मेरे पास ही है, ये पहले मैं खोल लेता हूँ। ये दोस्तों ये उनका ऑफिस है, उनका शायद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कुछ काम भी था, कोयला लोडिंग ये सब का, क्या चीज़ का एकदम अच्छे से मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी ऑफिस बंद है, तो ये उनका ऑफिस है और यहाँ बेड भाई कंबल वगैरह सब कुछ था, वो बोले आप यहाँ आराम से बिंदास हो जाओ, तो जगह ऐसा है कि ऑफिस ना एकदम बढ़िया ये। और यहाँ कोई रोशनदान भी नहीं है और शटर है पूरा कांच का, ये सामने का बना हुआ है, तो मतलब ठंड भी नहीं लगा बिल्कुल भी, बस पतला सा कंबल ओढ़ लिया था ऐसे ही खुलस हो गया था लगभग, मतलब कुछ भी ठंड नहीं लगा आज, तो इतना अच्छा रहने की व्यवस्था हो गया। चलो वापस मैं लॉक कर दिया, अपना बड़ा वाला बैग इधर ही छोड़ा हूँ और चलते हैं होटल की और भैया से मिलते हैं, उनको कहते हैं अलविदा और निकलते हैं फिर इधर से। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये जैसलमेर की ओर से आ रही हैं, इधर से आने वाली गाड़ियाँ सब जैसलमेर की ओर जा रही हैं। होटल सरस्वती हाईवे होटल, शुद्ध शाकाहारी 24 घंटे सेवा उपलब्ध। और ये है रुकमड़ा भैया, इन्होंने मतलब पूरा व्यवस्था कर दिया। तो चलो भैया मेरी तो पैकिंग वगैरह हो गई, अब मैं निकलता हूँ। अच्छा निकलो, चाय पी लो। जी जी जी, अब चाय पी लो। आप दोनों एक ही थाली में क्यों खा रहे हो, थाली नहीं है क्या? हमारा प्यार है। अच्छा, ये भैया इनसे कल मैं बात किया था शाम को यहाँ रहने का, पूछा था, इन्होंने हाँ बोल दिया था। और ये रुकमड़ा भैया बीच वाले, इन्होंने मेरा पूरा इंतजाम कर दिया था। अब यहीं जो भैया? हाँ। अच्छा, तो इनका ये होटल ढाबा है, ये सभी आपका ही है ना? हाँ। जनरल स्टोर, ये सब्जी का, ये सब्जी का भी आप लोग सिर्फ अपने लिए या बाहरी को भी बेचते हैं? अच्छा, बेचने के लिए। आपको कैसा लगा रहने में? अरे बहुत बढ़िया एकदम, मतलब उम्मीद से बढ़कर। मुझे तो चिंता हो रही थी इस एरिया में, अब धीरे धीरे मतलब जैसलमेर की ओर बढ़ रहा हूँ, तो रहने का ढाबा होटल मतलब 24 घंटे ऊपर रहता हुआ नहीं रहता होगा, रुकने का मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जब पहले होटल में पूछा तो मना किया, थोड़ा और चिंता बढ़ गया था, लेकिन यहाँ मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, आप लोगों ने रुकने दे दिया, भैया अपना ऑफिस भी दे दिए सोने के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो दोस्तों यार मैं भैया को बोलता हूँ बाय और यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा भैया बस बढ़िया, फिर मिलेंगे, वापसी में तो नहीं आ पाऊंगा मैं इधर, अगर आना है तो। जी जी जी, टाइम पास करेंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे मिलते चलूंगा जब भी इस रूट से जाऊंगा तो। अच्छा भैया जा रहा हूँ ना।
50 किलोमीटर कुछ का बोल रहे हैं सर, और चलते हैं फिर वहाँ तक। मैंने क्या कल देखा था आपको, अच्छा, बाड़मेर सिटी के ओवर ब्रिज पे। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उससे बाइक पे था मैं, कोई 2-3 किलोमीटर जा रहा था। जैसलमेर यहाँ से रह गया है लगभग 100 किलोमीटर, कुछ 40 कुछ किलोमीटर का भी आगे आ गए हैं हम लोग। और एक दो सर हैं, उन्होंने मुझे ये गाड़ी में लिफ्ट दिया है, क्या है, ब्रेजा सुजुकी का, इसमें लिफ्ट मिला है अभी। और यहाँ पे यार मुझे लगा था जिस ढाबे में मैं आज रात रुका था उससे इधर आगे उन लोग भी बोल रहे थे, बहुत लोग ट्रक वाले बोल रहे थे इससे आगे सोना सोना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे वो बात तो सच है, सोना सोना इधर है, उतना मतलब भीड़ भाड़ ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो गांव ऐसा पड़ा जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ था इस टाइप का, घर ज़्यादा थे। तो ये एक होटल है चाय नाश्ता के लिए, श्री जगदम्बा होटल, और भाई टॉयलेट वगैरह का भी सुविधा है उधर काफ़ी कुछ, 4-5 रूम बना रखे हैं। तो ये सोना है तो मतलब अब तक ना एकदम सुनसान वीरान है ऐसा नहीं है, और रास्ते के दोनों ओर झाड़ है बबूल का, राजस्थानी बबूल का इस टाइप का, तो हरियाली रास्ते में दिख रहा है, लेकिन रोड के अंदर आप जाएंगे 100 मीटर 50 मीटर तो फिर पूरा रेती रेती ऐसा शुरू हो जाएगा। और ऐसा ये होटल है श्री जगदम्बा भोजनालय एंड रेस्टोरेंट, और ये सर हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। सर आपका नाम क्या है? दीपेंद्र सिंह। यार लिफ्ट बहुत कम मिलता है जी, जी। आपने क्यों बिठाया, मुझे क्या सोच के आपने गाड़ी रोकी? लिफ्ट बहुत कम मिलने का कारण तो यही है, लोग विश्वास नहीं कर पाते, लोगों के साथ में फ्रॉड होता है। जी जी जी, नया रीजन ये, मैंने आपको कल देखा था हमारे सिटी में, आपके बैनर लगा हुआ था, प्लीज लिफ्ट, मैंने लगा टूरिस्ट है बाहर के, फिर इस वजह से आपको मैंने लिफ्ट दी। फिर मेरे दोस्त है उनसे पूछा मैंने क्या करें, तो भाई साहब के लिफ्ट दे दी, फिर आपसे मिल के भी अच्छा लगा। मुझे भी सर अच्छा लगा, और आपने लिफ्ट दिया मुझे मिल गया, पता नहीं कितना टाइम तक और खड़ा रहता, क्योंकि राजस्थान में लिफ्ट बहुत भाई मुश्किल से मिल रहा है, एक एक दो दो घंटे में ऐसा लिफ्ट मिल रहा है न्यूज़ में, और हमेशा आता रहता है कि भाई उसके साथ में लिफ्ट दी तो ये हो गया ये हो गया। जी, जी, जी। तो इसलिए सभी को अपनी खुद की सुरक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन लगा टूरिस्ट है, फिर आपसे बात करके फिर आपको लिफ्ट, उनकी भी कोई गलती नहीं, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए बस थोड़ा सावधान रहते हैं और कुछ नहीं, तो ऐसे में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन यह है कि कोई ना कोई तो भाई लिफ्ट दे ही देता है, एक घंटा दो घंटा वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों एक और सर जो दूसरे सर हैं वो ये हैं साथ में, इधर चाय पी रहे हैं सर के। सर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ लिफ्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं वहाँ खड़ा था, आपने मुझे क्यों बैठाया? क्योंकि सर ये दिख रहा था कि आप लोकल नहीं हैं यहाँ के, क्योंकि आप जब वहाँ से आ रहे थे आपके हाथ में यूट्यूब वाला साथ दिख रहा था, सिंबल भी दिख रहा था, उस पर लिखा होता है लिफ्ट है, इसका मतलब कोई बाहर के पर्सन है। आपको ऐसा लगा कि बाहर का बंदा होगा इसलिए आपने? हाँ पता है सर कि हम गाड़ी लेके आ ही रहे थे, गाड़ी में जगह थी तो जरूर क्यों ना लिफ्ट दे, हम मदद करेंगे, तभी आप भी तो कभी ना किसी को लिफ्ट देंगे सर। बिल्कुल सर। तो यही है दोस्तों, मतलब अमूमन जितना भी लिफ्ट मिला है ना बहुत मुश्किल से मिला है, एक घंटा दो घंटा ऐसे में। अधिकतर लोग कुछ बेचने आया है या समाचार वाला है कि या इस टाइप का समझते हैं, तो अपनी सावधानी के लिए बहुत लोग मतलब लिफ्ट देने में संकोच भी करते हैं। धन्यवाद। Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। तो दोस्तों सर लोगों ने यार यहाँ छोड़ दिया, भाई कार में उनके जगह ही नहीं था, वो ना आगे निकल गए थे, वो पहले रोके नहीं, फिर आगे निकल गए थे, फिर उधर से थोड़ा पीछे आए और फिर मुझे बिठाया और लिफ्ट दिया। ये पूरा सिटी है एक तरह से छोटा, ये इस तरह से। तो बीच में रास्ते का तो मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर पा रहा था क्योंकि अच्छे से बन नहीं रहा था। इधर फल फूल है, मार्केट है, सब्जी वगैरह है, क्या प्याज है ट्रक का, तो चलता हूँ थोड़ा और ठीक है। हाँ जी, और मांगता हूँ मैं लिफ्ट। और दोस्तों सुबह में जो बोल रहा था उधर होटल से निकलने
के टाइम या शायद उससे पहले भी कि अब यहीं तक ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रास्ता है और ये होटल 24 घंटों पर रहने वाला है, इसके बाद कम ही इस टाइप का होटल मिलेगा। और यहाँ मैं पूरी तरह से गलत साबित होता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने कहा वो मैंने मान लिया और मैं भी उस टाइप का सोचने लगा कि इससे आगे सुना सुना ही होगा, रेत रेगिस्तानी इस टाइप का। लेकिन यार जैसे वहाँ से 50 किलोमीटर आगे बढ़कर यहाँ पहुँचा हूँ, ये कोई गांव है और ये तो भाई अच्छा खासा पूरा सिटी है। तो और देखते हैं अब आगे का, कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते ऐसा लोगों जो बोलते हैं उसको ना पूरी तरह से विश्वास ना करके भाई आगे पे छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे कैसा रास्ता है, रास्ता आगे भी कुछ होटल ढाबा गांव ये सब मिलेगा कि आगे सुनसान है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। अबे एक स्कॉर्पियो तो रुका, चलिए देखते हैं लिफ्ट देने के लिए है कि क्या रहेगा। मैं इस साइड जाऊंगा। अच्छा, मुझे जैसलमेर निकलना था तो आपके लिए तो बस ही होगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया आपने गाड़ी रोकी। भैया आप आगे कहाँ तक जा रहे हैं? आगे मैं फतेहगढ़ तक जाऊंगा। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 40 किलोमीटर। छोड़ देंगे? पैसे नहीं लेकिन मेरे पास। समझ गए, धन्यवाद भैया। कितने स्टेट घूम चुके? अभी तो ज्यादा नहीं, दिल्ली गया था, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग गया था, गोवा गया था। वेस्ट बंगाल में सिर्फ दार्जिलिंग हुआ। दार्जिलिंग हुआ, सिलीगुड़ी वगैरह? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में गुजर के गया हूँ लेकिन वहाँ अंदर घूमा नहीं हूँ। दार्जिलिंग जाके आगे पहाड़ियों? हाँ, दार्जिलिंग में रह के। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आपका टारगेट क्या है, कैसे घूम रहे हैं। मुझे पता है कि आपका एक टारगेट है कि लिफ्ट लेके इतनी जगह को कवर करना। जी जी जी, ठीक है, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? हम समझ रहे हैं। लोगों को, लोग यहाँ के क्या लोग है, एजुकेशन यहाँ लो है, है ना, गाँव के लोगों में, तो उनको ये पता नहीं, डरते हैं कि बाहर के लोग है, क्या इनका टारगेट है, क्यों आए, इस बारे में उनको, लोगों को नॉलेज नहीं इतना। आपने वो जो आगे पैम्पलेट लगाया उसपे लिखा हुआ लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट प्लीज, है ना। यहाँ लगभग जितने भी लिफ्ट दे रहे हैं ना, सबका लगभग वही कहना था, मैं पूछा तो। हाँ, इस टाइप के लोगों के जो लोग उनके पता नहीं है ना, तो लोग समझ नहीं पा रहे। मिला था 40 किलोमीटर का, भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, बॉर्डर तो थोड़ा उधर ही था। अभी अब मैं जैसलमेर जिले में एंटर कर गया हूँ। ये संगढ़ करके इस जगह का नाम है, और बाड़मेर सिटी के बाद ना एक तो सीव पड़ा था, सीव नाम का कुछ जो थोड़ा सिटी टाइप का था, और उससे आगे एक फतेहगढ़ था इधर ही पीछे में, कुछ किलोमीटर पीछे। तो बाड़मेर के बाद सीव, फतेहगढ़, ये दो ऐसा जगह है जो थोड़ा सिटी टाइप का था, बाड़मेर से जैसलमेर के बीच में। और अभी जैसलमेर बचा है लगभग 60, तो आगे और कोई ऐसा जगह है या इधर से सीधा सुना सुना रहेगा कि थोड़ा और जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए अब यहाँ से फिर से मैं लिफ्ट मांगता हूँ। ये ऐसा कुछ जगह है इधर का, इधर के है संगढ़। और इधर जो धूप ना भाई एकदम तगड़ा से पड़ रहा है, अब ठंडी के टाइम में ऐसा है तो गर्मी के टाइम में क्या हाल होता होगा। हालांकि मैं ये इतना सामान लेके चलता हूँ, उसके साथ पैदल चलता हूँ, इसलिए गर्मी लगता है, और नहीं तो नॉर्मल ही रहता। ऐसे गर्मी नहीं लग रहा है, ठंडी का दिन है तो, लेकिन ये है कि धूप ना एकदम कड़क पड़ता है बढ़िया। ये माजदा ट्रक वगैरह का ट्राली था क्या, इतना खतरनाक लोड किया है। और रोड के साथ साथ ना, दोनों रोड के
और इस तरह से हरा भरा पौधा है, पूरा झाड़ है। इसको मैं पूछा तो कई लोग बबूल भी बोले, राजस्थानी बबूल इस टाइप का। लेकिन दोस्तों इसके बारे में कई लोगों से मैं ये सुना कि जिस टाइम इंदिरा गांधी जी का सरकार था ना, तो उस टाइम ये पूरा रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, एक भी पेड़ पौधा नहीं था, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब उस टाइम ऐसा जो भी इस पौधे का बीज है वो शायद इंडिया के बाहर से लाया गया था, और जो भी हवाई जहाज वगैरह है तो ऊपर से इसका बीज डाला गया था इस एरिया में, और तब जाके अभी इस टाइप का पेड़ पौधा जो भी हरियाली है ऐसा बोलते हैं। और कई लोगों से मैं पूछा जो भी और लिफ्ट मिलता गया, तो सब कोई उस बात को सच ही बताया कि उसी टाइम ऐसा किया गया था, बाहर से ला के ऐसा बीज को छिड़का गया था ऊपर से, और तब जाके इस तरह से पौधा लगा इस टाइप का। और ऐसा देखेंगे तो रास्ते के दोनों ओर ना पूरा झाड़ है, तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो ऐसा लगेगा भाई जंगल जंगल वाला तो रास्ता है, लेकिन जब आप मैप में देखेंगे ना तो पता चलेगा ये बस रोड के आजू बाजू में ही है, क्योंकि अंदर आप देखेंगे रोड से तो भाई पूरा रेगिस्तान ही है। आप मैप में देखेंगे गूगल मैप में तो पता चल जाएगा, ये बस रास्ते के आजू बाजू में ही है दोनों ओर, बाकी अंदर 50 मीटर 100 मीटर अंदर आप जाएंगे तो पूरा रेत है, पूरा रेगिस्तान है। लेकिन आप रास्ते से गुजर के जाएंगे इससे तो लगेगा कि बस पौधा पौधा तो है, हरियाली, ऐसा सुनसान ऐसा रेगिस्तान कहाँ है, ये बस रोड के आजू बाजू में ही है इस टाइप का झाड़ पौधा। बच गया है लगभग 60 किलोमीटर, और एकदम साफ मौसम, मस्त धूप निकला है, और गाड़ी एक एक करके आ रहे हैं मुश्किल से देर देर में। और एक तो राजस्थान लिफ्ट मिलता नहीं, तो बस यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है यार। अभी तो खैर अंधेरा होने में टाइम है, तो आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। ये गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक आध घंटा और गाड़ी मत रुकी, इधर यहीं पे खड़ा रहूं, बैठा रहूं, टाइम पास करते रहूं, और फिर अंधेरा होने से पहले जैसलमेर के लिए का लिफ्ट मिल जाए। जन्म पेंट पोचक रहा है। में बहुत गाड़ियां गई है आर्मी वालों की, आजकल जितना मैं देख पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई भी अगले एक घंटा के लिए लिफ्ट आना दे, क्योंकि यहां पे अच्छा लग रहा है, सुनसान रास्ता एकदम मस्त, बहुत बढ़िया रास्ता है। आसपास में झाड़ी और अंदर रेगिस्तान लगभग है, अभी आसपास दूर तक झाड़ियां दिख रही है। एक स्कॉर्पियो आ रहा है, देखता हूँ इससे लिफ्ट मांग के। मुझे जैसलमेर जाना है। कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी रुकी। मैं
जैसलमेर जा रहा हूँ घूमने, ऐसा पूरा इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ लिफ्ट मांगते। हाँ जी, तो अभी आ रहा हूँ कोटा से, अभी जाना है मुझे रिक्शा पे। तो ये बस आगे 2 किलोमीटर जा रहे थे, आप पूछने के लिए गाड़ी रोके थे। इसको छोड़ो यार। दोस्तों ये दो भैया लोग हैं, ये बोल रहे हैं आप साथ में चलो हम छोड़ देंगे यार, पहले से ये डबल है। कोई बात नहीं भैया, मैं चले जाऊंगा, हो सकता है आगे बैग रख लेना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने रोका, मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा की कसम, इधर कोई नहीं रोकेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखते हैं, देखिए कुछ नहीं मिला तो बस तो ऑप्शन में है यार, 10-15 मिनट में बस आ जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, आपने रोका, बात किया, पूछा भैया, वही बहुत बढ़िया लगा। कुछ चाहिए आपको खाने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खा के आया था। हाँ सच में, सच में अभी तो निकला था बाड़मेर साइड से। ठीक है, मैसेज करता रहूंगा यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अरे कार रुक गया यार, वो बाइक वाले भैया लोग गए, उसके बाद तुरंत कार रुक गया। अब चल के देखते हैं भाई, भी आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे? छोड़ देंगे? पैसे नहीं लेंगे मेरे पास? अरे चलते हैं भाई, पहुंच गए गोल्डन सिटी जैसलमेर। अब यहाँ से मैं देखता हूँ होटल कितना दूर है। ओ भाई, गोल्डन सिटी जैसलमेर मेरा स्वागत है। और अब तक तो जितना मैं एंटर किया हूँ, पीछे रास्ता यार मतलब उतना साफ सुथरा ऐसा तो नहीं लगा भाई, रोड के दोनों साइड। हमें जब और एंटर करेंगे तब थोड़ा पता चलेगा, यहाँ तक तो ठीक ही है। चलिए एंटर करते हैं और जैसलमेर जब घूमेंगे तब पता चलेगा भाई जैसलमेर कैसा है। फिलहाल ये कोई चौक है। और यार जैसलमेर तो एंटर कर गया हूँ भाई, यही जैसलमेर सिटी है। बाकी जो भी यहाँ का घर वगैरह होटल वगैरह सारा कुछ अंदर में है, ये तो रोड हो गया। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन कहूँ तो कुछ ख़ास तो अब तक ऐसा लगा नहीं यार, अलग कुछ। रास्ते का आजू बाजू भी देखें तो उतना सफाई नहीं लग रहा मुझे, मतलब कचड़ा वचड़ा है पूरा। जिस हिसाब से भाई विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, मैं मतलब ऐसा इमेजिन कर रहा था कि पहुँचते ही थोड़ा सा अलग लगेगा इस टाइप का। बाकी सामान्य है, अब तक तो कुछ अलग ऐसा लगा नहीं है, सामान्य सिटी में ऐसे आया हूँ जैसा ही लग रहा है। से फोर्ट मुझे दिखना भी दिख भी रहा है। चलो यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर बस है वो होटल जहाँ मैं रुकने वाला हूँ, फिर से वॉलंटियरिंग करने वाला हूँ,
लेकिन ये दोस्तों ऑफिशियल मतलब ऐसा वर्ल्ड पेकर प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गोवा में भी किया था, वो तो पर्सनली मैं कॉल करके आ गया था गोवा, लेकिन ये worldpackers.com के थ्रू है। तो अब देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है ऐसा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और फाइनली होटल स्टार हवेली, होटल ओएसिस हवेली में पहुंच गया। अब चलते हैं अंदर। दोस्तों ये था ओएसिस होटल, मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया था और कंफर्म है एक महीने का इस टाइप का, लेकिन वो बोले थे कि आपको दूसरे होटल में रहेगा आपका। तो फाइनली भाई जैसलमेर पहुंच गया और ये होटल क्या है और ये मुझे रूम मिला है अपना, और जब पीक सीजन आएगा तब शायद कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए मुझे रूम नहीं, कुछ शेयर डोर में मिलेगा। अभी फ़िलहाल रूम मिला है मुझे, ऐसा भाई मेरा रूम रहेगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। एसी है, पंखा है, हालांकि एसी काम करेगा नहीं पता नहीं, लेकिन उसका तो ज़रूरत भी नहीं, ठंड का दिन है। ये भाई मेरा बैग वगैरह है सामान, और ये वॉशरूम है ये, और ये मैं अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है। गर्म पानी जो है जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ऑन हो जाएगा बोले, तो ये फ़िलहाल मेरा रूम रहेगा। और भाई कोटा से यहाँ तक आया हूँ 4-5 दिन लग गया है, तो फिलहाल थोड़ा आराम करते हैं, फिर रात का खाना पीना जो भी है जैसा भी है देखेंगे, और काम वाम जो भी है बाद में देखेंगे भाई, सबसे पहले आराम करते हैं। यहाँ पर भी बाद में मैं धोऊंगा यार, फ्रेश पहले, सबसे पहले तो थक गया हूँ।